जो लोग यहाँ से एमएलए एमपी बनते हैं वो तो मान गए को उस पार के, उनका कहना है कि हम मान गए कि उस पार के लोगों को इसलिए टिकट देते हैं, यहाँ के लोग सब गधे हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, आप उनसे कंपेयर कर लो। हम इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक हमारी बहन है सिख बहन, जिसके साथ दिल्ली में रेप हुआ, सामूहिक उसका बाल काट, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसका बाल काट दिया, हमारा पहला मुद्दा हुआ। और पहली हमारी पार्टी होगी जो अब नेशनल पार्टी बनकर उभर जाएगी इस उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बाद, और ये जो 5 स्टेट का इलेक्शन हो रहा है इसके बाद हम नेशनल पार्टी भी हो जाएंगे, ये भी एक पहले तमगा है जो हमारे सदर साहब के सर पे बधेगा इंशाल्लाह। तो असद ओवैसी जिंदाबाद। कल यूपी से दिल्ली लौटते वक्त असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमले और दिल्ली में सिख लड़की के साथ हुए बलात्कार को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमशेदपुर महानगर की टीम मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड में कर रही है विरोध प्रदर्शन। ये जो हम कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि असद साहब पे जो गोली चला वही, इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक हमारी बहन है सिख बहन, जिसके साथ दिल्ली में रेप हुआ, सामूहिक उसका बाल काट, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसका बाल काट दिया, हमारा पहला मुद्दा हुआ। दूसरा, हमारे बैरिस्टर साहब के ऊपर जो हमला हुआ इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। किसी आदमी पे भी जो संवैधानिक हमारा चल रहा है काम, उस पर आप किसी को रोक लगा रहे, गोली चला रही है, सख्त मना है। किसी पे भी हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि किसी आदमी पे भी हमला हो। हर आदमी अपना संवैधानिक राइट्स रखता है अपनी बात को रखने का, अपने लोगों को पहुँचाने का, उनको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो हक की बात रखे हैं, आज लोगों की बात, हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए लोग साथ आ रहे हैं। अब उनको उनको जो जिस तरह से उनको कबूलियत मिल रहा है, लोग उससे चिढ़कर उनको गोली मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये सख्त बात है, बहुत बुरी बात है, हम सब इसके मजम्मत करते हैं। और अगर इस तरह नेक्स्ट टाइम कभी हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ऐसा कोई हरकत ना हो जिससे कि ना अवाम में बदजंडी पैदा हो, जो आपसी मोहब्बत है मोहब्बत में कोई तोड़ पैदा हो, इसलिए हम सब साथ हैं उनके, और ये रिक्वेस्ट करते हैं पूरे देश के लोगों के, सब उनके साथ आएं, सब मिल के साथ आएं, ताकि ऐसा नेक्स्ट टाइम कभी कोई ऐसा मौका आए तो हम सब साथ होकर एक एकजुटता दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करें कि कोई अगर उन पर हमला करेगा या किसी भी गलत काम को करेगा, हम गलत काम का साथ नहीं देंगे, सब साथ नहीं देंगे भाई, सब ओवैसी जिंदाबाद। आज यहाँ पे हम लोग जो ओल्ड पुरुलिया रोड में सारे लोग यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पहला कि जो असद साहब जो हमारे बैरिस्टर हमारे AIMIM के प्रमुख है उनके ऊपर जो गोलियां चली उसका हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये उसका हम घोर निंदा करते हैं। दूसरा है कि जो हमारे दिल्ली में एक सिख बेटी के ऊपर जो सामूहिक बलात्कार किया गया और उनका मुंह काला करके उनके बाल काट के उसको पूरे रोड में घुमाया गया, कारण यही था कि उस हमारी बहन ने किसी एक लड़के ने उसके ऊपर मतलब गलत टीकी टिप्पणी की, उसे अपना जबरदस्ती उसे जबरन अपना बनाना चाहा तो इसने इनकार कर दिया, तो उसके घर वालों ने उसको वहां पे उसके बाल काट दिए, उसका मुंह काला कर दिया और सामूहिक रेप करके पूरे नगर में रोड में घुमाया, जिसकी मैं निंदा करता हूँ और हमारे यहाँ पे मुस्लिम भाई सिख भाई और भी सब भाई हमारे खड़े हैं सब निंदा करते हैं। और इसका सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली पे, वो अभी तक उन्होंने उनके कोई भी बयान नहीं आया, ना मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं ना कुछ जाते हैं, वहाँ सिखों के वोट से आम आदमी पार्टी बनती है सरकार में आती है पर सिखों के लिए कोई नहीं खड़ा है, ठीक है। और वहाँ पे केंद्र सरकार भी की भी वहाँ पे दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार का भी इसका यहाँ पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं है कि उस बच्ची के साथ, पर जितने भी हमारे सिख निहंग है निहंग सिंह है जो पंजाब में रहते हैं वो सब आस्ते आस्ते अब उस सिख बच्ची के लिए हक के लिए खड़े हो रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि हम सिख अपना हक लेना, हम 2% है इंडिया में पर अपना हक लेना जानते हैं, और अल्पसंख्यक को हमेशा अत्याचार होते आ रहा है, आगे भी होता आएगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो दिल्ली जो हम लोग खड़े हैं इसका हम लोग ये भी कारण है कि दिल्ली में जो उस बच्ची का यदि उसके न्याय नहीं मिलता है उसके इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग सब एक बहुत बड़ा जमशेदपुर में यहाँ से आंदोलन करेंगे। और विपक्ष की जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते इस वक्त भारत में उसके ऊपर ऐसा हमला होता है तो उसको आप क्या मानते हैं? देश में मात्र 2 सीट लाने के बावजूद ओवैसी है जो भारत सरकार के हर मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो सब ये एक तरह से देखा जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर हमला है। नहीं, विपक्ष के ऊपर हमला, आप देखिएगा कि संसद में पार्लियामेंट में चाहे वो ये आपका किसान बिल हो, चाहे वो SEA NRC हो या कोई भी चीज़, जो गलत नीतियाँ आती है केंद्र सरकार के तरफ से जो हमारे गरीब तबके के लोगों के लिए किसान के लिए गलत नीति आती है उसमें कोई सरकार, इतनी पार्टियाँ हैं कोई पार्टी नहीं बोलते, इवन कांग्रेस पार्टी अपने आप को बहुत बड़ा पार्टी बोलती है पर वहाँ पर कुछ नहीं होता। पर हमारे एक बैरिस्टर साहब ही है जो वहाँ पे
कानून कृषि कानून हो उसमें बिल फाड़ देते हैं, या CNRC हो तो उसमें बिल फाड़ के विरोध करते हैं कि मैं इस कानून को नहीं मानता, ना मेरे समर्थक मानते हैं, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और करता रहूंगा। हम बिहार पे 5 विधायक है, महाराष्ट्र पे 2 विधायक है, इतने होने के कम होने के बाद भी हम लोग आज इतना विपक्ष वाला काम कर रहे हैं, और जो विपक्ष में कांग्रेस सरकार बैठी है वो पूरा इंडिया में खत्म हो चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारत के वासियों को मैं एक दरखास्त करना चाहता हूँ कि विपक्ष हमको बनाए, मैं एक अच्छा विपक्ष, हम लोग AIMIM एक अच्छा विपक्ष बन के आपको दिखाएंगे, और आपके हक की हुकूक की लड़ाई हम लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में जैसा कि सिख लड़की का जो रेप हुआ है उसके साथ जो ज्यादती हुई है, वहीं उसी और पंजाब में भी चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस वक्त वो सत्ता में आने वाली है, जैसा कि चंडीगढ़ के आम चुनाव में भी देखा गया, तो इसमें क्या आम आदमी पार्टी को कुछ नुकसान होने का अंदेशा है? एकदम आपको मैं बता दे रहा हूँ, नुकसान होगा। पंजाब में तो आप हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि उस सिख बच्ची के लिए उसे इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ वहाँ पे नहीं उसके घर पहुँची, इवन वहाँ की जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका कोई ना विधायक है ना आया ना कोई आया। भगवंत मान अपने आप को बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी का सिखों का नेता बताता है पंजाब में, क्यों नहीं उसने प्रेशर डाला कि केजरीवाल को कि भाई हमारे सिख बच्ची के साथ ऐसा हुआ, यदि सिख का इतना हितैषी है, ठीक है, तो क्यों नहीं उस पर प्रेशर डाला गया कि केजरीवाल सरकार वहाँ पे जाए, वहाँ पे जाके उस बच्ची को न्याय दिलाने में वो करे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका खामियाजा पूरा पंजाब में भुगतना पड़ेगा। कुछ निहंग सिंह के तरफ से एक बयान आया है, अभी हाल में ही बयान आया है कि पंजाब, आप लोग जब हमारे सिख बच्चियों को दिल्ली में संरक्षण नहीं दे पा रहे, उसको न्याय नहीं दे पा रहे, तो आप पंजाब आके क्या करोगे? आप पे ये सब ढकोसला नहीं चलेगा, आपको पंजाब हम घुसने नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को, वहाँ के सिख पब्लिक ने और जो निहंग सिंह उन्होंने कह दिया कि ये सब चलेगा नहीं। अभी जैसा कि कल जो वाकया घटा उसके बाद 2 लोग जो गोली चलाए थे वो दोनों पुलिस के हिरासत में हैं, और बैरिस्टर साहब को जो है जेड सिक्योरिटी मिल चुकी है, तो अब इसके बाद आपकी क्या मांग है? देखिए, हमारी मांग ये नहीं, जो लोग किए हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई, वो किस संगठन से है, किस संगठन, देखिए अकेला आदमी को इस तरह के काम नहीं करता, जरूर कोई ना कोई लोगों से मिली भगत है जिन्होंने मिलजुल कर एक प्लान किया, और एक बड़ा प्लान का पर्दाफाश करना कि इनके पीछे कौन है, कौन सा संगठन है, कौन लोग हैं जो इस तरह का चाह रहे हैं कि एक उभरता हुआ एक इंसान जो विपक्ष का काम कर रहा है, जो आवाम और गरीब लोगों की बात उठा रहा है, दबे कुचलों की बात, माइनॉरिटीज़ की बात उठा रहा, हर आदमी की बात उठा रहा, हर स्टेज पर उठा रहा और लोगों के बीच में चल रहा, फिर और आप देख रहे हैं जो एक एक छोटा छोटा जो रैली कर रहे हैं, एक एक एरिया में जा रहे हैं, कितना बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कितना लोग मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत से कुछ लोगों को पच नहीं रहा, कुछ लोगों को वो डाइजेशन सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि भाई आखिर इतना मोहब्बत कैसे आ गया एक बाय एक। असल में क्या है, जब इंसाफ की बात करेंगे, लोगों में मोहब्बत डालना कुदरत का काम है, कुदरत अपने आप डालती चली जा रही है, और जिस तेजी से वो फैल रहे हैं, जिस तेजी से ये पार्टी फैल रही है, जिस तरह लोगों के दिल में अपना जगह बना रही है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त में जैसे हमारे सरदार सुजीत सिंह ने कहा, सबसे बेहतरीन विपक्ष बनकर बेहतरीन तरीके से लोगों को हुकूक अदा करने का काम हमारी पार्टी करेगी। पार्टी जिंदाबाद। तेलंगाना में एक स्टेट है जहां पे हम हैं, और हमारा हुकूक सबसे बुरा हाल, जो इस पर सच्चर कमेटी, सबसे बुरा हाल माइनॉरिटीज का है, हमने 12% रिजर्वेशन बना के दिया ताकि अगर 100 नौकरी निकलती है तो 12 आपका है। ये वाइड स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जहां आपको हुकूक मिल रहे हैं पूरे। अच्छा, इससे पहले दिल्ली में उनके आवास पर हमला हुआ था, फिर इनके ऊपर हमला हुआ, तो इसके पीछे क्या विपक्ष है या वो दल है, वो शरारती तत्व है जो धर्म संसद कर मुसलमानों के खिलाफ, बैरिस्टर साहब के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और उन्हें उनका कत्लेआम करने की दावतें देते हैं? देखिए, कत्ल करना और किसी को दुनिया में रखना और दुनिया से ले जाना है, ये तो कुदरत के हाथ में है। आप किसी के बारे में कितना भी बुरा सोच रहे, अगर कुदरत ने उसके लिए भला सोच लिया है तो इंशाल्लाह भला होगा। मैं ये कह रहा कि इसके पीछे किसका हाथ हो, कुछ तो तत्व है, कुछ तो है, कुछ कुफरेट मीटिंग हो रहा है, कुछ इस तरह की हरकत हो रहा है, तभी जाके इस तरह के लोगों का मन और बल बढ़ रहा है और इस तरह का हमला हो रहा है। और इस तरह से जितना हमला हो रहा है, लोग सोच रहे हैं वो कमजोर होंगे, कल आप बैरिस्टर साहब का देख लीजिए कि आप जितना आप डराने की कोशिश करेंगे और जितना हमारी पार्टी को और लोगों को डराने की कोशिश, हम उतना तेजी से लोगों में मोहब्बत पा रहे हैं और उतना तेजी से लोगों पे आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखना, इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और पहली हमारी पार्टी होगी जो अब नेशनल पार्टी बनकर उभर जाएगी इस उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बाद। और ये जो 5 स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, इसके बाद हम नेशनल पार्टी भी हो जाएंगे। ये भी एक पहला तमगा है जो हमारे सदर साहब के सर पे बधेगा इंशाल्लाह। तो असद ओवैसी जिंदाबाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, अकबर ओवैसी जिंदाबाद। राजनीतिक
विरोध धार्मिक स्थल के बाहर, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये धार्मिक स्थल के बाहर, ये रोड है, यहाँ पे लोग अवाम रहते हैं, अवाम में जागरूकता पैदा करना हमारा काम है। अवाम के हकूक के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो अवाम में अगर किसी बात के लिए भूल चूक हो रहा है जहाँ पे अवाम नहीं, तो अवाम को जगाना, उनको ये बताना कि उनके हकूक क्या है, ये तो हमारा काम है। राजनीतिक पार्टियों का तो यही काम है कि आप उनको बताओ कि आपका क्या हक चूक छूट रहा है। आप सचर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ो, देखो आपके हकूक कहाँ कहाँ छीने जा रहे हैं, और उसको जब रिपोर्ट आ गई, जब उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम है, तो लोग हाथ उठा देते हैं। ये बात लोगों में कौन बताएगा? यही तो हमारा काम है। एक लोकल हर एरिया में पार्टी खड़ा करने का मकसद ही यही है, हर लोगों के बीच में चलो, उनसे प्यार मोहब्बत से मिलो, उनको बताओ कि कौन सी चीज़ें जो आपसे दूर की जा रही हैं, और कौन सा तबका है, कौन सा पार्टियाँ हैं जो आपके हकूक के बारे में सोच रही हैं, ये बताना, यही तो हमारा काम है। हिंदुस्तान के हर गली कूचे में चलना, लोगों से मिलना, उनसे मोहब्बत से मिलना, और उनको वो बताना कि उनके हकूक में कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ जो बड़ी बड़ी नेशनल पार्टी है वो कहाँ कहाँ झोल छोड़ दी है, कहाँ कहाँ पर उनका ध्यान नहीं देखा जा रहा। देखो आप एग्जाम्पल के तौर, जब से झारखंड बना, हमारा स्टेट बना, मानगो में कितने स्कूल खोले गए, इतना बड़ा पॉपुलेशन में सिर्फ एक स्कूल है केरला पब्लिक स्कूल, जिसका कैपेसिटी कितना होगा, 2 से 3 हज़ार, और बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग कहाँ पढ़ेंगे? जो लोग यहाँ से एमएलए एमपी बनते हैं वो तो मानगो के उस पार के, उनका कहना है कि हम मानगो के उस पार के लोगों को इसलिए टिकट देते हैं, यहाँ के लोग सब गधे हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं। आप उनसे कंपेयर कर लो हमारे सर्टिफिकेट्स, और उनसे ज़्यादा एजुकेशन और क्वालिफाइड हैं या नहीं हम, तो हम उन लोगों को क्यों चुनेंगे? हम अपने बीच को चुनेंगे तो वो उसी रोड पे चलेगा जिस पे हम चलेंगे, वो उसी स्कूल में उसके बच्चे पढ़ेंगे जिसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि क्या क्या कमजोरियां हैं। कमजोरी जब साथ में चलने से पता चलता है क्या कमजोरी है, तो अब हम अपने लोगों को चुनेंगे, अपने लोगों के साथ चलेंगे, फिर इंशाल्लाह बेहतरीन टीम वजूद में आएगा। सस्ता बाजार अब आपके घर के पास, अब आपके मोहल्ले में खुल चुका है सबसे सस्ता बाजार, जहां आपको रोजमर्रा जिंदगी के जरूरी सामग्री की खरीदारी करने पर मिलेगा 5% से 20% तक का डिस्काउंट, और साथ ही खरीदारी पर मुफ्त पेट्रोल और डीजल के कूपन्स भी। जी हां, आपने ठीक सुना, अब आपके मोहल्ले के जवाहर नगर रोड नंबर 17 अनजान कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने केरला पब्लिक स्कूल मानगो के बगल में खुल चुका है स्मार्ट ट्रूप का सस्ता बाजार, जो आपको हर खरीदारी पर देगा बेहतर उपहार, और जहां आपको मिलेगा किफायती दर में घर चलाने के लिए जरूरी सामग्री। तो एक बार जरूर पधारे मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 17 के सस्ता बाजार में।